मूवी की शुरुआत में हमको एक गुरुजी के शिष्य दिखाए जाते हैं। गुरुजी और शिष्य एक शैतानों को पकड़ने के लिए एक बर्फीली पहाड़ों पे जाते हैं, क्योंकि वो शैतानों को इसलिए पकड़ना चाहते हैं क्योंकि वो शैतान इंसानों को परेशान करते हैं। गुरुजी का मकसद होता है कि इस दुनिया को शैतानों से मुक्त करना। ये मूवी शैतानों पर आधारित है। उसके बाद हमको बताया जाता है कि गुरुजी उस शैतान को पकड़ लेते हैं और उसको जाल में कैद कर देते हैं, और उस शैतान की शक्तियों से गुरुजी का शिष्य भी बच जाता है। उसके बाद गुरुजी का शिष्य उस शैतान को एक आईने के आगे ले जाता है और उसके अंदर कैद कर देता है, क्योंकि उस आईने में ही शैतान को कैद किया जा सकता है। उसमें बहुत सारे शैतान होते हैं। उसके अगले सीन में हमको दो स्नेक्स दिखाए जाते हैं, एक व्हाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक। इसके बाद अगले सीन में हमको बहुत सारे बंदे दिखाए जाते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। वो पहाड़ों पर इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि वो जड़ी बूटियाँ ढूंढते हैं और उन जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाते हैं। फिर एक बंदा पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर जाता है। जैसे वो नीचे गिरता है तो हमको बताया जाता है पानी में गिर जाता है। फिर एक व्हाइट स्नेक उसको पानी में बचाने के लिए चली जाती है। यहीं से हमारी मूवी की स्टार्टिंग होती है कि व्हाइट स्नेक को उससे प्यार हो जाता है और अपने प्यार को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ लेती है। उसके अगले सीन में हमको गुरुजी और उसका शिष्य दिखाया जाता है। गुरुजी और उसका शिष्य चिंतित होते हैं क्योंकि वो शैतान बहुत सारे आदमियों को परेशान कर चुके हैं। उसके बाद हमें व्हाइट स्नेक को अपने दोस्तों को बता दिया कि मुझे उस लड़के से प्यार हो गया, और वो व्हाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक दोनों बहनें उस लड़के की खोज में चले जाते हैं। गुरुजी और शिष्य भी वहीं पर आ रखे थे मेले में शैतान को पकड़ने के लिए। वहीं पर गुरुजी के शिष्य को ग्रीन स्नेक होती है, उससे दोस्ती कर लेती है। उसके बाद व्हाइट स्नेक अपने प्यार का वहाँ पर इंतजार करती है। ग्रीन स्नेक वहाँ पर उस लड़के के पास जाती है जिसकी जान व्हाइट स्नेक ने बचाई थी। उस लड़के का नाम होता है जिंक। जिंक से वो रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है, तुम उसको जानते होंगे। तो जिंक बोलता है नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। उसके बाद वो अपनी ग्रीन स्नेक अपनी शक्तियों से उसके नाव पर धक्का देकर वहाँ पर उसको ले जाती है, उसको धोखे से लेकर चली जाती है। जैसे वहाँ पर उसको लेकर जाती है तो व्हाइट स्नेक भी उसके साथ धोखा करती है और उसको अपनी बाहों में ले लेती है। और व्हाइट स्नेक उसको बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं वही लड़की हूँ जिसने तुम्हें सुबह पानी में गिरते टाइम किस करा था। उसके बाद व्हाइट स्नेक हमें बताती है कि इस बार तुम मेरे से प्यार जरूर करोगे। उसके बाद जिंक भी बोलता है क्या तुम वही हो गया सच में। उसके बाद मतलब व्हाइट स्नेक उसको किस करती है और उसको याद आ जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम गुरुजी का शिष्य ग्रीन स्नेक को बताया जाता है कि वो दोनों फ्रेंड बन चुके हैं। उसके बाद गुरुजी के शिष्य को पता चलता है कि वहीं पर बहुत सारे शैतान आ रखे थे और उसको एक कंपास में दिखाया जाता है कि वहाँ पर शैतान ही आ रखे हैं। उसके बाद गुरुजी का शिष्य शैतानों से लड़ने के लिए वहाँ पर चला जाता है। जैसे वो शैतानों से लड़ता है तो शैतानों से लड़ते लड़ते वो घायल हो जाता है। एक शैतान उसको अंदर खींच के उसके मतलब उसको खा जाता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, वो भी एक शैतान बन जाता है। उसके बाद गुरुजी को पता चल जाता है तो गुरुजी फटाफट उस शैतान को मारने के लिए जाते हैं। गुरुजी शैतान को मार देते हैं। उसके बाद हमको अगले सीन में दिखाया जाता है कि गुरुजी आश्रम आते हैं तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो गुरुजी का शिष्य जिसका नाम होता है, उसका नाम पता नहीं क्या होता है, लेकिन वो पूरी तरह से घायल हो चुका था शैतान को खाने की वजह से। उसके अगले सीन में हमको बताया जाता है कि जिंक और व्हाइट स्नेक भी एक दूसरे से शादी कर लिए थे, वो दोनों शादी कर चुके थे। उसके बाद हमको बताया जाता है कि दोनों शादी कर लिया, आपस में प्यार हो गया। उसके बाद हमको बताया जाता है गुरुजी के शिष्य पासी खाने के लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जान वो चमगादड़ के खाने से इन्फेक्टेड हो जाता है, चमगादड़ जैसा बन जाता है। उसके बाद वो एक शैतान बन चुका था। तो वो ग्रीन स्नेक को बोलता है तुम भी एक शैतान हो क्या। ग्रीन स्नेक उसको बोलती है हाँ मैं भी शैतान, तुम भी शैतान। इसके बाद ग्रीन स्नेक उसको मीट मांस खिलाकर उसको पूरी तरह से शैतान बना देती है, खून वून पिलाकर, क्योंकि वे गुरुजी का शिष्य था तो वो एकदम शुद्ध हिंदू आदमी था इसलिए। और गुरुजी को वहाँ पर पता चल जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे शैतान होते हैं, तो व्हाइट स्नेक और गुरुजी वहाँ पर ग्रीन स्नेक और गुरुजी की वहाँ पर फाइट हो जाती है, और व्हाइट स्नेक की भी वहाँ पर फाइट हो जाती है, क्योंकि गुरुजी को पता चल चुका था कि क्योंकि जिंक की पत्नी एक शैतान हो सकती है, क्योंकि शैतान और इंसान का कभी मिलन नहीं हो सकता। तो गुरुजी बोलते हैं कि तुम एक अच्छी हो इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके अगले सीन में बताया जाता है कि गुरुजी उस व्हाइट स्नेक को मारने के लिए वापस आ गए। उसके बाद व्हाइट स्नेक अपने असली रूप में आ जाती है और गुरुजी से लड़ने लगती है। जैसे वो गुरुजी से लड़ती है तो जिंक उसका पति होता है जो उसके गलती से चक्कू घुसा देता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता मेरी पत्नी होती है। उसके बाद वो पानी में चली जाती है, घायल हो जाती है। उसके बाद गुरुजी बताते हैं, गुरुजी से जिंक पूछता है मेरी पत्नी कहाँ पर है, तो गुरुजी बताते हैं कि यही तुम्हारी पत्नी। तो उसके बाद जिंक कई दिनों तक वहीं पर पड़ा रहता है, मतलब वहीं पर रहता है वो, क्योंकि उसको चक्कर वक्कर आ जाते हैं और वो सोचता है मैंने ऐसा क्या किया। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि ग्रीन स्नेक और व्हाइट स्नेक वहाँ पर होते हैं। व्हाइट स्नेक पूरी तरह से घायल हो चुकी थी चक्कू की वजह से। उसके बाद अगले सीन में हमको बताया जाता है कि व्हाइट स्नेक का दोस्त एक चूहा जो बोलने वाला होता है, वो भी एक शैतान होता है, जो जिंक को बताता है कि एक ऐसी जड़ी बूटी, शुद्ध जड़ी बूटी जिससे तुम अपनी बीवी की जान बचा सकते हो। उसके बाद जिंक को उस जड़ी बूटी लेने के लिए चल जाता है। उस जड़ी बूटी को पाने के लिए वो उसके मंदिर के ऊपर बहुत ऊंची इमारत पर चढ़ जाता है। उसके बाद वो अंदर जाता है और उस जड़ी बूटी की लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो जड़ी बूटी उसके हाथ नहीं आती और वो जड़ी बूटी बोलती है कि तुम मुझे चुराने आओ इसलिए मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊँगी, और वो उसको कब्जे में कर लेती है। जैसे ही वो उसको अपने कब्जे में करती है तो
वो कैसे कैसे करके जिंक उस जड़ी बूटी को अपने हाथ में ले लेता है, वो वैसे ही वहां से नीचे आ जाता है, तो वहां से अपन को शुरू में बताया था आइनम से पूरी आत्मा वहां से छूट जाती है। उसके बाद हमको बताया जाता है कि जिंक और अपने वो अपने चूहे वाले दोस्त के साथ वो जड़ी बूटी भेज देता है व्हाइट स्नेक को सही करने के लिए। उसके बाद जिंक के अंदर पूरी आत्मा घुस जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है गुरु जी के पूरे शिष्य वहां पर आ जाते हैं और गुरु जी भी आ जाते हैं। उसके बाद उसके अंदर से आत्मा निकालने के लिए गुरु जी अपना पूरा दम लगा देते हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि गुरु जी एक ऐसी क्रिया करने जा रहे हैं जिससे जिंक अपनी जिंदगी से और मौत से लड़ रहा है। उसके बाद हमको यह बताया जाता है कि गुरु जी एक लोभन प्रक्रिया करने जा रहे हैं और उसके बाद गुरु जी उसको बौद्ध धर्म के हाथों में रख देते हैं क्योंकि उसकी जान बचाना चाहते हैं आत्माओं से। उसके बाद हमको पता चलता है कि व्हाइट स्नेक को पता चल जाता है कि जिंक के साथ गुरु जी बहुत गलत कर रहे हैं, मतलब अच्छा कर रहे हैं लेकिन उसके लिए उसको लग रहा है कि वो बहुत गलत कर रहे हैं। तो वो व्हाइट स्नेक जो गुरु जी से लड़ाई करती है और उस जिंक को बचाने के लिए चली जाती है और बोलती है कि आपको हम दोनों के प्यार से क्या दिक्कत है। उसके बाद वहाँ पर गुरु जी दोनों गुरु जी से लड़ती है, फाइट करती है, वहाँ पर बहुत बुरी फाइट हो जाती है। उसके बाद व्हाइट स्नेक ग्रीन स्नेक को गुस्सा आता है तो वहाँ पर बाढ़ आ जाती है और गुरु जी उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं रुकता और बाढ़ से पूरा गुरुजी आश्रम में पानी में डूब जाता है, सब कुछ पानी में डूब जाता है। उसके बाद व्हाइट स्नेक जिंक को बचाने के लिए वहां पर जाती है और वो जिंक को बचा लेती है लेकिन जिंक को वो बचाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जिंक की याददाश्त जा चुकी थी और जिंक उसको बोलता है कि तुम कौन। उसके बाद व्हाइट स्नेक गुरु जी को दोष देती है कि आपकी वजह से मेरा जिंक मुझे छोड़कर चला गया। उसके बाद व्हाइट स्नेक को गुरु जी एक मंदिर के अंदर बंद कर देते हैं लेकिन व्हाइट स्नेक गुरु जी से रिक्वेस्ट करती है एक बार मुझे अपने जिंक से मिलने दो। उसके बाद वो जिंक से मिलने के लिए बाहर आती है तो जिंक को याद तब भी नहीं आता लेकिन वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे गले मिल रही हो तो मुझे तुमसे फीलिंग आने लगी। लेकिन वो जैसे गुरुजी उस व्हाइट स्नेक को बंद करते हैं वापस तो जिंक को याद आ जाता है कि ये मेरी ही पत्नी थी। उसके बाद उसको बंद कर देते हैं, उसके बाद व्हाइट स्नेक को वहां पर बंद कर देते हैं तो हमारी कहानी की एंडिंग भी यहीं पर हो जाती है। व्हाइट स्नेक वहां पर बंद हो जाती है और जिंक वहीं पर रह जाता है और वहीं पर जिंक सालों साल वहीं पर रहता है। जिंक व्हाइट स्नेक की तलाश में कभी ना कभी वो वापस आएगी और यही हमारी मूवी की एंडिंग होती है। अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल पर फटाफट से 100 सब्सक्राइबर करा दो, 100 सब्सक्राइबर पर बहुत बड़ा गिव अवे होने वाला है। लेट्स गो गाइस प्लीज।